नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर इजीवे। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो DRDO CPTM 10 की वैकेंसी अभी आई हुई है, तो इसमें इस बार का क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये संभावित कट ऑफ हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। और इससे पहले CPTM जो 9 था, जिस पर ज्वाइनिंग हुआ था अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग ट्रेड में, उसके लिए कितना कट ऑफ गया है, तो ट्रेड वाइज इसमें हम लोग बात करेंगे। खास करके जो ITI वाले कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट आता है इसमें ना, उसी के बारे में चर्चा करने वाले, अलग अलग ट्रेड के बारे में। ठीक, तो आज का चर्चा हम लोगों को इसी दो विषय पर करना है। ये DRDO CPTM जो 9 है, इसका कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। DRDO CPTM 9 जो है, इसका कट ऑफ मार्क्स, और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे DRDO CPTM 10 का। इस बार जो आया है ना एग्जाम, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2022 CPTM 10 वाला, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। अगर यहाँ पर देखिए, जो भी कट ऑफ है इसको अच्छे तरीके से समझना है और उसी के आधार पर तैयारी करना है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है समझ लो, नहीं तो हाथ मलना पड़ेगा। अच्छा मौका है, ठीक। अगर इसको नहीं समझ पाए और इसके आधार पर अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो मौका निकल जाएगा हाथ से, हाथ पर हाथ रख करके रगड़ना पड़ेगा, ज़िंदगी झंडता की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक, तो हर बार होते आया है ना कि हर बार एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं और निकल नहीं रहा है, तो एक एक करके हर कदम झंडता की ओर बढ़ते चला जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं रखना है, बढ़िया से समझिएगा और उसी के कंसेप्ट पर, उसी के आधार पर आपको एक तैयारी करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलग अलग जो ट्रेड वाइज कट ऑफ है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो CPTM ये 9 का है। ठीक, जैसे कि शुरू में ही आपको बताएं कि हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये CPTM 9 का कट ऑफ है। जो टेक्नीशियन ए है ना, उसमें सब ITI पोस्ट आती है। ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं वही सब पोस्ट हैं इसमें। कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 150। अब इस बार का सभी लोगों को पता होगा सिलेबस क्या है, या किस तरीके से मार्किंग पैटर्न है, एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाले हैं, इस बार का पता होगा, बताए हैं, नहीं तो एक बार शुरू में ही चर्चा कर लेते हैं। इस बार जो एग्ज़ाम में जो सेक्शन डिवाइडेड गया, थोड़ा सा चेंज किया गया, ये पहले 150 मार्क्स का था, अभी जो हुआ है ना ये कितना है, 120 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन एक नंबर का है। 90 मिनट समय है, डेढ़ घंटे का समय है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो 120 क्वेश्चन है ना, ये रिटर्न पेपर का, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी बना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है ये नॉन टेक का पार्ट है, जिसमें 40 नंबर का 40 क्वेश्चन, और इसमें क्या है 80, टोटल जोड़ करके कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पर ये जो 80 क्वेश्चन है ये प्योर टेक्निकल है, जो जिसका ट्रेड होगा, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, जो जिसका स्पेसिफिक ट्रेड है ना उससे पूछेगा ये 80 नंबर का क्वेश्चन, और 40 नंबर सबके लिए कॉमन है। इसमें क्या है, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, करेंट अफेयर है, GK है, और बेसिक इंग्लिश है, ये 40 मार्क्स में, तो ज़्यादा वेटेज ये टेक्निकल का ही है। इस बार जो कट ऑफ होने वाला है 120 में हम लोग बताएंगे। पहले जो एग्ज़ाम होता था इसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल और 50 मार्क्स का क्या होता था, नॉन टेक्निकल, जो सब्जेक्ट बताएं। तो अभी इतना की चीज़ समझ में आया ना, ये जो पेपर वन है, फर्स्ट स्टेज का है ये, फर्स्ट स्टेज का, और दूसरा जो स्टेज है इसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे स्टेज में स्किल है, तो स्किल के बारे में वहाँ से आपको जो भी ट्रेड होगा उसके लिए पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल करना होगा। तो आगे की चीज़ है, 1.5 से 2 घंटा ही उसमें टाइम देगा, तो सिंपल जॉब ही आएगा, तो आगे की चीज़ है। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे सबके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर इतना चीज़ समझ में आ गया कि अभी 120 है, पहले जो पूछता था वो कितने का था, 150 का, तो ये 150 में ये बनाया गया कट ऑफ मार्क्स है। ठीक, CBT एग्जामिनेशन में, और नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें। अब देखिए, पोस्ट कोड या पोस्ट नेम दिया है यहाँ पे, सब्जेक्ट अलग अलग।
अभी जितनी वैकेंसी आई ना ये सब पोस्ट के लिए इसी तरीके से है उसमें सीरियली। ठीक, टेक्नीशियन ए ऑटोमोबाइल के लिए अगर देखें तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है, ये जनरल है, ये एससी है, ये एसटी है, ओबीसी है और ये है ईडब्ल्यूएस। ठीक, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, और ये पीडब्ल्यूडी फिजिकल जो हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए, और इसमें भी डिसेबिलिटीज का अलग अलग कैटेगरी है, उसका अलग अलग मार्क्स गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। ये कैटेगरी ए, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी में कौन कौन आएंगे इस पेज के नीचे में इसका शॉर्ट का फुल फॉर्म लिखा है, जो भी शॉर्ट है ना उस कैटेगरी ए का, सी का, या ई एस एम, एम एस पी, ये क्या है फुल फॉर्म, पी डब्ल्यू डी क्या है, ये सबका फुल फॉर्म नीचे लिखा है, तो उसको भी दिखा देंगे एक बार। ई एस एम का मतलब है एक सर्विस मैन के लिए, और ये है मेरिटेरियस स्पोर्ट पर्सन के लिए, एम एस पी, मेरिटेरियस स्पोर्ट पर्सन के लिए भी सीट रिजर्व है, इस बार भी इसी तरीके से दिया है सीट रिजर्व करके। ये कैटेगरी समझ में आया ना। अब इसके अनुसार देखिए, ऑटोमोबाइल के देखें आउट ऑफ 150, 150 में हम लोग ये बात कर रहे हैं, 150 में कितना मार्क्स आया था जनरल का, 80, एससी का कितना है 73, एसटी का इसमें सीट नहीं था तो ओबीसी में कितना है 78, इन सब में सीट नहीं है ऑटोमोबाइल के लिए, अलग अलग ट्रेड में है। फिर है बुक बाइंडर, बुक बाइंडर के लिए अगर देखेंगे तो जनरल का 60.8108, 53.7162, एसटी का नहीं था, ओबीसी का यदि है 61.8243, और ये जो पीडब्ल्यूडी है ना कैटेगरी ए का 85.1351, कैटेगरी सी में 62.8378 और कैटेगरी डी में 52.7027, कितना कट अप गया है। ठीक, अब देखिए ना यहाँ पर ये डिसेबिलिटीज कैटेगरी में ही मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ भीड़ नहीं बढ़ाना है, दिक्कत यही होता है कि कम सीट रिजर्व रहेगा और सब डिसेबल कैंडिडेट भर दिए, तो उसमें भी देखिए कहाँ ले गया है 85, गगनचुंबी इमारत बना दिया, ये तो जनरल में भी नहीं है, 60 है, देखिए यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए 0203 टेक्नीशियन, ये कारपेंटर का 91 गया है, ये 150 में, हमेशा ध्यान रखना है, 82 इसके लिए एसटी, अलग अलग कैटेगरी जो बताएं 83 इसका है, और डिसेबिलिटीज में कैटेगरी डी के लिए 69 है, और इधर पोस्ट नहीं थी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ए कोपा, काफ़ी अच्छा संभावना है इस बार भी, मैक्सिमम सीट इसमें दिया हुआ है, शायद 139 पोस्ट है अभी सीपीटीएम 10 में, ये तो 9 का बता रहे हैं, इसी को ध्यान में रख करके तैयारी करना है, 78 75 68 73 और 60, और कैटेगरी ए बी सी के लिए जो इसमें सीट था 69 60 86 54, ये कैटेगरी के अनुसार गया है कटअप। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल जो आईटीआई ट्रेड होता है उसमें जनरल का 87 78 64 84 62, कैटेगरी बी सी डी डिसेबिलिटी है उसके अनुसार 68 67 और 70 गया। और यहाँ पर देखिए ये जो था ना कोपा में, ये एक सर्विस मैन के लिए 57 गया था और मेरिटेरियस स्पोर्ट पर्सन के लिए कितना था 62 था, 62। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ, ड्राफ्टमैन तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे 206 टेक्नीशियन डीटीपी ऑपरेटर के लिए, जनरल का इसमें सीट नहीं था, ये 72 66 और कैटेगरी ए डिसेबिलिटी के अनुसार ये 69। टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन का काफ़ी अच्छी पोस्ट है इस बार भी, 108.6059 गया था, 102.341, ये 150 में है ध्यान रखना है, 96.1521, 106.5815, 100.4159 और कैटेगरी ए बी सी के अनुसार जो डिसेबिलिटी है 67 54 84 52। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रॉनिक्स का 84 75 69 60 और डिसेबिलिटीज में 78 65 58 और ये यहाँ पर दिया है ईएसएम के लिए 65। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है फिटर में, फिटर में इस बार भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं, मैकेनिकल ट्रेड में है ये 127 है, मशीनिस्ट में भी अच्छा सीट है 89 है, टर्नर में 45 या 44 सीटें हैं। ठीक, तो 93.3984 फिटर का गया है
जनरल का, ओबीसी का ये है 87.6423, 83.6082, 90.6679 और 78.5655। कैटेगरी ए बी सी के अनुसार जो डिसेबिलिटी है उसका 67, 56, 84, 62 ये, और ESM और MSP के लिए है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट के लिए, जनरल का 101.6779, 99.6644 ये ओबीसी का है, 94.6309, 95.6376, 64.4295 और कैटेगरी ए बी सी के अनुसार डिसेबिलिटी जो रही है, एक सर्विसमैन के लिए दिया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए देखते हैं मैकेनिक डीजल, अच्छी पोस्ट है इसमें भी, 97 गया है जनरल का, उसके बाद 93, कैटेगरी बी के अनुसार डिसेबिलिटीज वाले के लिए 74। नेक्स्ट है मैकेनिकल लैब टेक्नोलॉजी, 85 गया है, 71, 76 और इसमें पोस्ट नहीं थे इसके लिए नहीं दिया। ठीक, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो और भी है ना, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी के जो सीटें हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है टेक्निकल ए मोटर मैकेनिक, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं, टेक्निकल ए जो है मोटर मैकेनिक का कितना है 100 कट ऑफ, इसमें कैटेगरी वाइज सीट नहीं था इसलिए ब्लैंक है ये। नेक्स्ट है पेंटर के लिए, पेंटर के लिए इसमें अलग अलग कैटेगरी में नहीं था इसमें था, तो 557 है, 93 और डिसेबिलिटीज में 87। फोटोग्राफर के लिए 66, 61 इधर नहीं है इसका पोस्ट। सीट मेटल वर्कर, ये सब ITI की ट्रेड है, 68 आया है। ठीक, और 65 इसके लिए और इसमें 62। नेक्स्ट है टेक्निकल ए जो टर्नर का है, काफ़ी अच्छा है, फिर सीट इस बार भी है, 95 गया था जनरल, 89 ओबीसी का, 82, 91, 83 और कैटेगरी ए बी सी ए बी डी जो है डिसेबिलिटीज़ के आधार पर उनके लिए है, और फिर 55। वेल्डर के लिए अगर देखेंगे तो 103.6913, 95.6376, 83.5570, 98 इस तरीके से, और डिसेबिलिटीज में ये दिया। कट ऑफ मार्क्स क्लियर हो रहा है ना, 150 में ये कट ऑफ मार्क्स है, इसी को ध्यान में रख करके इस बार तैयारी करना है। अब अलग अलग ये देखिए जो शॉर्ट टर्म दिया, जैसे PWD पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, कैटेगरी ए में जो आएगा इसमें जो कैटेगरी था डिसेबिलिटीज का ए में, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले लोग आएंगे, BC, इसी तरीके से सबके लिए लिखा हुआ है इसमें। ठीक, कुल मिलाकर के इसमें जो अभी कट ऑफ रहने वाला है इसी के आधार पर है, 150 के आधार पर ये दिया गया है। अभी का जो CPTM 10 है ना, CPTM 10 के बारे में अगर देखा जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब CPTM 10 का जो कट ऑफ इस बार रहने वाला है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग मार्क के अनुसार हम लोग सभी ट्रेड में तो देखे ही हैं, ये 150 का है, इस बार का जो पेपर है वो कितने का है 120 में। इस बार का आपको कट ऑफ हाईएस्ट रेंज के अनुसार आपको एक टारगेट दे रहे हैं, उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। ठीक, अगर आप 90 से 95 मार्क्स इस बार सिक्योर कर रहे हैं, 90 से 95 मार्क्स इस बार सिक्योर कर रहे हैं किसी भी ट्रेड में या किसी भी कैटेगरी के लिए, ये सफिशियंट मार्क होगा क्वालिफाई करने के लिए, 90 से 95 मार्क्स ये सफिशियंट होगा किसी भी कैटेगरी में या किसी भी ट्रेड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। 120 में से मैक्सिमम टारगेट आपको दे रहे हैं, इससे नीचे ही कट ऑफ रहने वाला है, 85 से 90 के बीच में ही आ जाएगा, लेकिन आपको एक मैक्सिमम टारगेट दिए हैं 90 से 95, 120 में से, और इसी को ध्यान में रख करके पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पढ़ने के लिए टेक्निकल एकदम मजबूत होना चाहिए, 80 क्वेश्चन जो पूछ रहा है। नॉन टेक जो पार्ट है ना उसमें मैथ रीजनिंग पे पकड़ बनाइए, और इंग्लिश बेसिक थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, और जो करंट अफेयर और जनरल साइंस जनरल GK है उसके लिए ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसके लिए देखिए, जो बनने वाला होगा 10 में से 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे ही। ठीक, तो मैक्सिमम हम लोगों को फोकस किस पर करना है, जो 80 मार्क्स का है टेक्निकल उस पर फोकस करना है। तो ये इस बार का कट ऑफ
आपको मैक्सिमम टारगेट दिया, इससे कम ही रहेगा लेकिन 90 से 95 आपको दिमाग में रख करके, माथा में रख करके पढ़ना है। अब ये टेक्निकल मजबूत करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो टेक्निकल को मजबूत करने के लिए इजीवे कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन हो, दोनों में से किसी भी मोड में ले सकते हैं। क्या करना है वहाँ पे, तो प्ले स्टोर से जा करके इजीवे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इस एप्लीकेशन में जा करके देखेंगे तो अलग अलग डीआरडीओ के सभी ट्रेड के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, जैसे फिटर टर्नर मशीनिस्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, मैथ रीजनिंग, ये सारे चीज़ें हैं। और इसमें भी दो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है किसी को कंबाइंड अगर पूरा डीआरडीओ सीपीटीएम 10 का पूरा सिलेबस चाहिए टेक्निकल मैथ रीजनिंग, तो उसका एक अलग से क्लास है, वो लाइव चालू होने वाला है 1 सितंबर से लाइव होगा बैचो, ठीक। और उसमें आपको क्या मिलेगा, तो टेक्निकल का और ये मैथ रीजनिंग का आपको क्लासेज मिलेंगे, लाइव मिलेंगे, और जो मास्टर कोर्स है ना पहले से जो रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो फ्री में मिलेगा उसी में, यानी टोटल 4900 का कोर्स हम लोग बहुत कम प्राइस में आपको आपके लिए दे रहे हैं, ठीक। मैक्सिमम प्राइस का जो कोर्स है उसको घटा करके मिनिमम कर दिया गया है, और बहुत सारे मटेरियल मिल रहे हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। तो जा करके प्ले स्टोर से देख करके कोर्स डिटेल्स और परचेज करना है। तो पहला तो ये बताए, दोनों कम्बाइंड है डीआरडीओ के अनुसार, किसी को अगर अलग अलग पढ़ना है, मैथ रीजनिंग अलग पढ़ना है, टेक्निकल अलग पढ़ना है, या केवल किसी को टेक्निकल ही पढ़ना है, तो वो भी मॉड्यूल अवेलेबल है। लाइव तो होंगे ही, आप लाइव जोड़ सकते हैं आकर के, पर डे टाइम के अनुसार उसमें सारा शेड्यूल है, पर डे लाइव आ सक जा करके जुड़ सकते हैं क्लास में टाइम के अनुसार। अगर कोई जॉब प्रोफेशन में या किसी को टाइम नहीं मिलता है तो उसी लाइव वाले में ही पूरा मटेरियल अपलोड है, वो सारा चीज़ देख सकते हैं वहाँ से, तो किसी को भी कोई असुविधा होने वाली नहीं है, चाहे जो वर्किंग पर्सन हो या नॉन वर्किंग पर्सन हो, जो लाइव आ रहा है तो अच्छी बात है, डाउट क्लियर करेंगे लाइव सेशन में ही, और वहाँ पर सारा व्यवस्था है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं किसी भी डाउट को, और लाइव के दौरान मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देंगे। तो इस तरीके से कोर्स का व्यवस्था किया गया, तो जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं ना, तो जा करके उसको परचेज कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा समय हो जाएगा, फिर ये भी मौका क्या हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। अभी यहाँ पर ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुआ है स्पेशली DRDO CPTM 10 का, तो जो लोग भी आना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं, ठीक। और जिनको डाउट होगा, कुछ और जानकारी चाहिए, वो तो कोचिंग वाला जो कॉलिंग नंबर है ना उस पर जा करके और कॉल करके पता कर सकते हैं, ये नंबर है, इसके लिए देख सकते हैं, इस पर आप पूछ सकते हैं कि कोर्स में क्या क्या है, जो सभी कोर्सेज हैं उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। तो आपको क्लास नोट डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट का सोलूशन वीडियो है, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर का सोलूशन वीडियो है, ठीक। मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में लगभग 3000 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 3000 क्वेश्चन है, और जो चैप्टर वाइज टेस्ट है 1200 से 1500 क्वेश्चन है, तो 7000 कम से कम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और इतना प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो 80 मार्क्स का इसमें टेक्निकल है ना, 80 मार्क्स में से आप 70 से 75 मार्क्स तक आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं, डायरेक्ट नोट्स से आएगा, आपको बस रिवीजन करने की ज़रूरत है, हूबहू वही लैंग्वेज में आएगा, आपको ये मार्क्स दिलाएगा टेक्निकल का, ठीक। तो इतना सारा चीज़ समझा दिए, अब किसी भी चीज़ की देरी नहीं करनी है, जुड़ जाइए और आ करके कोर्स परचेज कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में एक और अनाउंसमेंट है, अब हम लोग यूट्यूब पर देखे होंगे आप लोग, थंबनेल में शेड्यूल किया गया है, वहाँ पर DRDO के जो CPTM 10 है इसमें फिटर टर्नर मशीनिस्ट जो मैकेनिकल ट्रेड है इससे संबंधित हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें आपको क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, कौन कौन संभावित क्वेश्चन आने वाला है इसके बारे में हम लोग पर डे चर्चा करेंगे, 6 बजे उसका शाम में समय है, 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में, तो सभी लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं वहाँ पर, वहाँ जुड़िए, फिर हम आप लोगों से बात करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक। और जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।